ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से खुद को दूर कर चुके हैं और राहुल के इस फैसले ने कांग्रेसी खेमे में बवाल मचा दिया है। बीते कल यानी बुधवार को अपने मन की बात दोहराते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए ये बात कही। मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ ये बताया और अपना इस्तीफा दे दिया। राहुल ने खुला खत लिखा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है ये भी कहा है। अब राहुल गांधी के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं? आज यानी गुरुवार को कांग्रेस महासचिव साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई की तारीफ की। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया है उसकी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, आपके फैसले का सम्मान करते हैं। ये बात ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से प्रियंका गांधी ने कही है। ट्वीट को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे। यहां आपको बता दें, आज भले ही प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल के फैसले की तारीफ कर रही हो, लेकिन ये प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी जिन्होंने 25 मई को कहा था कि अगर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो डरपोक कहलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाएंगे। कल तक इस्तीफे पर राहुल को डरपोक कहने वाली बहन प्रियंका आज उनका यहां पर साथ दे रही हैं। राजनीति कांग्रेस पार्टी के फिलहाल संकटों में घिर गई है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।